शिवराम के कांग्रेस में शामिल होने पर हिमाचल प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं और इस बार हिमाचल में बदलाव जरूर होगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन हिमाचल प्रदेश में अब आएंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन उसी दिन शुरुआत हो गए जब हमने सब उपचुनाव जीते, चाहे संसद का हो और चाहे विधानसभाओं का हो। और इसका मतलब कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कांग्रेस पार्टी को वोट देने का, और वहाँ पर माहौल पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है, भाजपा की सरकार के विरुद्ध है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर निश्चित रूप से हम दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में लेकर जाएंगे? कितने मुद्दे गिनाए, एक घंटा लग जाएगा। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान त्रस्त है, सेब उगाने वाले लोग त्रस्त हैं, बागवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो सब चीज़ों से त्रस्त होके विकास कुछ हुआ नहीं, जो भी किया था वीरभद्र सिंह जी ने किया था। तो इन सबसे ही होके जो है प्रदेश की जनता जो है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएगी। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है तो क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को प्रभाव डालेगा? आम आदमी पार्टी तो कई राज्यों में सक्रिय है, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में कोई उनका विशेष कोई असर है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।